हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में हम MDF पर क्लॉक बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने इस पर गैसो किया था, उसके बाद हमने यहाँ एक्रेलिक पेंट का यूज़ किया है। अब हम यहाँ रेजिन को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद उसमें मेकअप पाउडर मिलाकर उसे ट्री के मोल्ड में पोर कर देंगे। इससे हमें 24 आवर के बाद डिमोल्ड करना है। इसके बाद हम अपने MDF बेस पर रेजिन को पोर कर देंगे। इसमें हमने ब्लैक मेकअप पाउडर मिक्स किया है। अब हम इसे स्टिक की मदद से अच्छे से अपने MDF को कवर कर देंगे। इसे ड्राई होने में 24 आवर लगेंगे। घड़ी के नंबर सेट करने के लिए MDF के पीछे मार्क कर लेंगे कुछ इस तरह से। इन नंबर्स को हम मार्क के हिसाब से सेट करेंगे। इनको स्टिक करने के लिए हमने रेजिन का यूज़ किया है। हमने MDF के पीछे जो मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें इन सभी नंबर्स को अरेंज करना है। ध्यान रहे सारे नंबर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होनी चाहिए। हमने जो ट्री डिमोल्ड किया था उसे हम MDF पर सेट कर देंगे। अब हम टिक मशीन क्लॉकवाइज घुमाते हुए इसमें फिट करेंगे। अब हम यहाँ सबसे पहले हावर हैंड लगाएंगे, उसके बाद हम मिनट हैंड लगाएंगे, मिनट हैंड के बाद हम सेकंड हैंड लगाएंगे।